कैसा लग रहा है ब्रॉन्ज मेडल जीत के? अच्छा लग रहा है। मतलब अभी इंजरी थी और ओलंपिक्स भी गई थी, अच्छा नहीं कर पाई थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी मतलब मेडल मिस हुआ था, तो हाँ अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट मेडल ही है। ओके, और बहुत सारे मेजर कंपटीशन जाके लाइक मेडल नहीं हो पाया था आपका, तो ये पहला मेजर कंपटीशन का मेडल है आपका, कैसा लग रहा है? 2014 में भी मेरा एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज था, तो अभी भी ब्रॉन्ज ही है। बस अभी कोशिश यही रहेगी कि और अच्छे से मेहनत करनी है, जो भी टेक्निक वगैरह के जो भी फॉल्ट है वो सब ठीक करने, और नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स है और वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसमें अच्छा करने की कोशिश करनी है। ओके, अभी क्या बोलना चाहते हो इंडियन एथलीट्स और जो अपकमिंग एथलीट्स है? जैवलिन में अभी बहुत सारे टैलेंट्स आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? उनके लिए बस यही बोलना चाहते हैं कि इंडिया वाले किसी कम नहीं है, और पहले मतलब ये भी होता था कि अदर कंट्री की लड़कियाँ बहुत लंबी है, तगड़ी है, हाइट है, तो हम लोग की मतलब मेरे को बोला जाता था कि तुम्हारी हाइट कम है तो तुम इतना अच्छा नहीं फेंक सकती, क्योंकि दूसरी कंट्री की कुछ लड़कियाँ 6 फुट की है, 6 फुट 2 इंच की है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हार्ड वर्क करो, डिसिप्लिन के साथ रहो और बिलीव करो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाइट ओके, वन सेकेंड ओके ओके कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू, ओके ओके।